हई खूटा से फार तलवा। जी नमस्कार दोस्तों, आपने तो गाना सुना ही होगा फराक तोहर खूटा से फाटलवा, और नहीं सुने हैं तो मैं पहले ही सुना दिए हैं, इसलिए कि आप लोग का विश्वास हो जाए कि आखिर गाना दोनों सेम क्यों हैं। तो बने रहिए हमारे वीडियो में लास्ट तक, क्योंकि आज के वीडियो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाले हैं। तो हम लोग बात करेंगे कि आखिर गाना किसने चोरी किया है, पावर स्टार पवन सिंह ने या खेसारी लाल यादव ने। तो आज सुबह सुबह दोनों का गाना रिलीज़ हो जाता है। सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह का 12 बजे रात में पोस्टर रिलीज़ किया गया था, जिसमें कॉमेंट सुन बतलाया गया था, और खेसारी लाल यादव के एक दिन पहले यानी कि 5 तारीख का पोस्टर फिर लॉन्च कर दिया गया था, और जस्ट फिर उसको टीचर वीडियो फिर छोड़ दिया गया था, और आज 5:45 में उसको गाना छोड़ने का था। तो पावर स्टार पवन सिंह ने अपनी सोशल मीडिया से बताया था कि 6 तारीख के गाना छोड़ा जाएगा और बहुत ही धमाल मचाने वाला एक गाना आ रहा है, और खेसारी लाल यादव के देखते हुए वो सबसे पहले रिलीज कर दिए हैं, यानी कि 5 बजे रिलीज कर दिए हैं पावर स्टार पवन सिंह ने। उसके बाद 5:45 में खेसारी लाल यादव के गाने आते हैं और ऑडियंस के पास पहुँचते हैं, और पहुँचते ही लोगों गाने के सुनने के बाद लोग चोरी की इल्जाम लगाते हैं, और बताया जा रहा है कि खेसारी लाल यादव ने पावर स्टार पवन सिंह के गाना चुरा लिया और पवन सिंह ने खेसारी लाल यादव के गाना चुरा लिया। तो हम लोग इसी पे बात करेंगे, आखिर चोरी किया है किसने। तो आप लोग को बता देना चाहता हूँ कि खेसारी लाल यादव के 2-3 साल पहले जिला चौपारण के गाना आया था फराक तोहर खूटा से फाटल। आप लोग नहीं सुने हैं तो आप जानकर सुन सकते हैं। तो मेरा अनुमान लगाया जा रहा है कि उसी के कॉपी करके कुछ अलग तरीका से लगता है गाया गया है, और लेकिन बतलाया जा रहा है कि पावर स्टार पवन सिंह के बहुत ही दिनों पहले ही शूट कर लिया गया था इसका वीडियो, और खेसारी लाल यादव के 3-4 दिन पहले से क्लिप वायरल हो रहा था, उसको वीडियो शूट हो रहा था। तो यहाँ पे लोगों के डिफरेंट हो रहा है, थोड़ा सोच पड़ रहा है कि आखिर चोरी किसने किया है। तो खैर गाना की तो छोड़िए, आखिर बात करेंगे कि गाने के साथ साथ शर्ट पैंट यानी कि कह सकते हैं कि कपड़ा कैसे चोरी हो गया। आखिर ये भी चौंका देने वाली बात है कि दोनों का कपड़ा सेम है। मैं दिखा देना चाहता हूँ, इमेज के हिसाब से देख सकते हैं वीडियो में, दोनों का कपड़ा सेम है, आखिर ऐसे क्यों। तो मेरा मन में सवाल एक और उठता है कि ये गाना चलाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, पर पता नहीं ऐसा क्यों किया जा रहा है। तो खैर छोड़िए, जिसका फिर गाना रहे आप लोग आनंद लीजिए, पूरा ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, दोनों के गाना के प्यार दीजिए, क्योंकि गाने इंटरटेनमेंट के लिए होता है, और 2-3 दिन 10 दिन बाद फिर लोगों के मन में फिर हट जाता है ये सब सोचना। तो आप लोग जिसका फिर गाना पसंद आए, खेसारी लाल यादव के या पवन सिंह के, जिसका आप फैन हो उसका जाकर गाना सुनिए, मज़ा लीजिए, आनंद उठाइए, ये सब चोरी के एग्जाम हटाइए और आनंद कीजिए। तो आप ही आपका फिर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, अगर आपको मन में कोई सवाल है तो ज़रूर हमसे पूछने की कोशिश करें, कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो भाई लोग, अगर आप ही चाहते कि भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले हमारे चैनल पे आता है, आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि भोजपुरी का हर खबर सबसे पहले आता है। तो बस मिलते हैं किसी नए अपडेट के साथ बहुत ही जल्द, जब तक के लिए जय हिंद जय भोजपुरी।